मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलामुअलैकुम, उम्मीद करते हैं आप हैरो ऑफिस से होंगे। आज हम किसी ऐसे टॉपिक पर बात नहीं करने वाले, बल्कि आज हम बहुत ही अफसोसनाक खबर लेकर आए हैं जो आप तक हम शेयर करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि चेयरमैन पीटीआई इमरान खान पर वज़ीराबाद में कातिलाना हमला हुआ था, केस के तफ्तीशी अहमद शहजाद SHO इंतकाल कर गए हैं। हम आपको ये भी बताते चले कि अहमद शहजाद SHO बहुत ही नेक और नफीस इंसान थे। जब इमरान खान पर कातिलाना हमला हुआ तो वो इस केस के तफ्तीशी थे। GIT बनने के बाद तफ्तीश GIT कर रही थी। जराए के मुताबिक अहमद शहजाद की 2 दिन पहले तबीयत खराब हुई और वो SHO सदर वज़ीराबाद में तैनात थे। तबीयत खराब होने पर अहमद शहजाद छुट्टी लेकर घर आ गए और आज उनको दिल का दौरा पड़ा। आमिर शहजाद को हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां पर डॉक्टर ने इनके इंतकाल की तस्दीक कर दी। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आमिर शहजाद का नमाज जनाजा आज 10 अप्रैल रात 10 बजे इनके नवाही गाँव में अदा कर दिया गया। हम दुआ को हैं कि अल्लाह ताला इनके दर्जात बुलंद फरमाए और इनकी कब्र की मंजिलें आसान फरमाए और इनके लवाहिकीन को सब्र और जमील अता फरमाए। आमिर शहजाद की उम्र कबिल 40 साल थी और ये अपनी जवानी में ही दुनिया में से चले गए। अल्लाह ताला इनके दर्जात बुलंद फरमाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।